हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला क्रिस्टल हेयर रिमूवल प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि इसका बहुत सारा आपने एडवर्टाइजमेंट देखा रहेगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये रियल में यूजफुल है भी कि नहीं, ये जैसे कि शेविंग करना हो गया या फिर क्रीम लगा के आप हेयर रिमूव करते हो या फिर वैक्सिंग करते हो, इससे ज्यादा यूजफुल है? इसमें कितना टाइम लेता है हेयर रिमूव होने में, या फिर आपकी स्किन वगैरह पे रेड हो जाता है, या फिर है ना प्रॉपरली हेयर रिमूव होते हैं भी कि नहीं, फिर एक साथ में पूरे निकल जाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रोसेस है क्योंकि धीरे धीरे आपके हेयर रिमूव होगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसे मैंने यूज भी किया। आप भी सोचो अच्छा सा हेयर रिमूवल प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, आपका बजट अराउंड 100 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया। 99 का अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम है, कोई 200-300 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। पैकिंग की बात करें कुछ इस टाइप का आपको कंप्लीट पैकिंग होकर आएगा इस टाइप के अमेजोन के बॉक्स में, और बॉक्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है। फेस के लिए भी इन्होंने मेंशन किया हुआ, हैंड के लिए भी मेंशन किया, लेग के रिमूव या सुटेबल फॉर होम यूज, मतलब होम के लिए आप यूज कर सकते हो। और जैसे कि मेटेलिक कोटिंग केस है और मेटेलिक ग्लास को यूज किया गया है, तो ये हमारा आता है कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैंने यूज किया तो थोड़ा सा इस पे देख सकते हो पानी वगैरह भी लगा हुआ है, यूज करने के बाद में मैं रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो कि इन्होंने मेटेलिक कोटिंग की हुई, ये ऊपर का मटेरियल जो कि प्लास्टिक के ऊपर इसका कोटिंग है, और ये वाला जो कि ग्लास का आपको देखने को मिल जाता है कंप्लीट, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने हैं तो इसके थ्रू ही हमारे हेयर रिमूव होते हैं। स्टडी मटेरियल स्मॉल है तो इजिली बाथरूम वगैरह में रख सकते हो, दिखने में काफी अच्छा दिखता है। तो बॉयज लोग भी आज के टाइम पे जो कि बहुत जन हेयर रिमूव करते हैं और हेयर रिमूव का बहुत सारे डिफरेंट स्प्रे वगैरह प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं एज कम्पेयर टू ये वाले से। वैक्सिंग और वो सारी चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है, कुछ लोग वीकली कराते, कुछ लोग 15 डेज से, कुछ लोग 1 मंथ से कराते, टोटली उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, मे बी कोई पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, फिर उनका फंक्शन का ही काम काज है, बार बार फंक्शन वगैरह अटेंड करना पड़ता है या फिर होस्ट वगैरह करना पड़ता है, तो इन्हें बहुत ज्यादा वैक्सिंग वगैरह करानी पड़ती बार बार, जो कि थोड़ी भी हेयर वगैरह लैक ना दिखे, बॉयज हो गए गर्ल्स हो गए। तो अभी मैं इसे यूज करके बता देता हूँ किस टाइप का ये वर्क करता है भी कि नहीं। तो जैसे कि मैंने थोड़ा वाटर भी ले लिया और इधर मैंने सोप भी ले लिया, तो हम विदाउट वाटर भी इसे यूज करके देखेंगे और साथ में सोप के साथ में भी हम यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे लेग पे काफी ज्यादा हेयर है, वैसे मैंने ये मेरे जो कि कजन के लिए बाय किया हुआ है, पर फिर भी मैं मेरे पे टेस्ट करके बता रहा हूँ, बाद में फिर उसे दूं तो उसे भी यूजफुल लगे। तो मैंने अमेजोन पे देखा था कि इसे वाटर के साथ में आप यूज कीजिए, डायरेक्ट मत यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाटर यूज कर लेता हूँ और अभी इस पे एक भी हेयर नहीं है, और इधर जो कि मैं इस तरह करके भी आपको दिखा देता हूँ, एक भी हेयर जो कि रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैंने निकाल दिया ऐसा। सो अब मैं इसे लेता हूँ, डायरेक्ट यूज करता हूँ, और इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने यूज करने का भी बोला हुआ, पहले हम एक डायरेक्शन में यूज करके बाद में देखेंगे वर्क नहीं करता रहेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करेंगे। सो इधर आप देख सकते हो काफ़ी स्मॉल स्मॉल हेयर रिमूव हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, मतलब 3-4 रिमूव हो चुके हैं, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस ऐसा बोल सकते हैं, पर प्रोसेस होएगा, मतलब रिमूव होएगा। अभी मैं थोड़े और भी इस तरह कर करके रिमूव कर देता हूँ, और ऑलमोस्ट पूरा वाटर जो ड्राई हो चुका है। सो इधर आप देख सकते हो इतने हेयर जो कि एक बार में मेरे रिमूव हो चुके हैं, और जो कि मैंने एकदम हल्के हल्के किया, और इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ था, और काफ़ी जगह मैंने रिव्यू भी पढ़ा कि इसको आपको बहुत ही स्लो स्लो यूज़ करना है, ज़्यादा घसना भी नहीं, एक बार में आपके रिमूव नहीं होएगी, 2 से 3 मंथ में भी 4 मंथ तक का ये प्रोसेस है। तो धीरे धीरे रिमूव होते होते जहाँ से हेयर निकलते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाती है, इसे रेगुलर यूज़ करने से बाद में फिर आपका पूरा पूरा मतलब परमानेंटली हेयर रिमूव हो जाता है, फिर वैक्सिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देख सकते हो जो कि इतने हेयर रिमूव है, उसे मैं डीप करता हूँ वाटर के अंदर, और अब जो कि मैं फिर से इसे यूज़ करके बताता हूँ। तो इधर जो कि एक हेयर लगा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको दिखता रहेगा छोटे छोटे हेयर, जो बारीक बारीक स्मॉल स्मॉल हेयर है, जो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, वो वाले हेयर तो फटाफट रिमूव हो गए, जो बड़े बड़े वो थोड़े से टाइम ले रहे रिमूव होने में। तो ऑलमोस्ट इतने हेयर रिमूव हो रहे, और आप हम इसे जो कि यूज करते हैं सोप के साथ में, और इधर थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी पता चलता रहेगा, ये देख सकते हो इधर से जो कि थोड़े ज्यादा हेयर रिमूव हुए, और ये मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमाया हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा सोप यूज कर लिया है इसके ऊपर, और अब आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये है। अब मैं थोड़ा सा दोनों डायरेक्शन में इसे हल्का हल्का, और मैं हल्के हाथ से घुमा रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा भी कि कुछ चीज़ें मतलब निकल रही है, इतना एकदम पेन नहीं होएगा, एकदम नॉर्मल लगेगा, बाकी इतना जो कि ऐसा पेनफुल जैसा प्रोसेस नहीं है। तो इधर मैं वन डायरेक्शन में अब कर लेता हूँ थोड़ा और, तो इधर आप देख सकते हो थोड़े हेयर फिर से रिमूव हो गए, तो ऑलमोस्ट मतलब, और इधर मैं वाटर को डाल दे तो जैसे कि नीट एंड क्लीन हो जाए और आपको विजिबल रह जाए। तो इधर मेरे हेयर थोड़े रिमूव हो गए ये वाले पार्ट से, और थोड़े थोड़े हेयर इधर इधर से भी रिमूव हो गए इधर, जो कि आपको विजिबल रहेगा, एकदम छोटे छोटे हेयर, और बाकी ये बड़े बड़े हेयर भी ये वाले पार्ट में मैंने ज्यादा यूज किया, इधर का ऊपर का पार्ट है। सो यूजफुल प्रोडक्ट है, आराम से आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं, और आप एकदम घस के मत यूज कीजिए, और एकदम ज्यादा घस के आप यूज करोगे आपके हेयर तो रिमूव हो जाएंगे, हो सके हल्का फुल्का रेड हो जाए, तो वो केस पे आप कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट का ऑयल लगा सकते हो इसे यूज करने के बाद में। और जैसे कि इसे आप रेगुलर यूज करोगे, मेरे हिसाब से जितने हेयर रिमूवर है रेगुलर बेस
इसको यूज़ करते करते एक डेढ़ या दो मंथ मेरे हिसाब से टाइम ले लेगा आपके पूरे मतलब बॉडी के पार्ट के हेयर रिमूव होने में, धीरे 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 करके जितने ये रिमूव कर रहा है, तो इस तरह आपके हेयर जो भी है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। यूजफुल प्रोडक्ट है, इजिली यूज़ करना है, ज़्यादा रश नहीं करना है, घसना नहीं है, और जो कि काफ़ी बजट में है, और ये जो लोग को घर पर अलाउड नहीं करते हेयर वगैरह वैक्सिंग करने के लिए, उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, पता भी नहीं चलो और आपका आराम से वैक्सिंग वगैरह भी हो जाए। कुछ जगह रहता है मतलब फैमिली मेंबर में वैक्सिंग वगैरह ब्यूटी पार्लर में अलाउड नहीं करते बहुत जगह गांव साइड में, तो वहाँ आप इस टाइप के प्रोडक्ट को घर पे यूज़ कर सकते हो, उन्हें लगे कि हेयर नहीं आ रहे, बल्कि आप ये प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने हेयर वगैरह रिमूव कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट इसके बारे में मैंने सभी चीज़ डिटेल में बता दी, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजन से परचेस किया 99 का, अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम कोई 200-250 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। यह वीडियो आप 2023 या फिर 2024 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे इस टाइप के प्रोडक्ट अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाले रहेंगे इनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।